पहला स्टॉक जो आपकी वॉचलिस्ट में होना चाहिए वो है टाटा कंज्यूमर का। टाटा कंज्यूमर एक काफ़ी अच्छी रैली लेने के बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन कर रहा है, और इसमें दो पॉसिबिलिटीज इमर्ज होती हैं कि इस रेंज को कंटिन्यू करके डेली के मूविंग एवरेज कैचअप कर ले, या ऑन द डाउन साइड 430 का एक बार ब्रेकडाउन देके ये थोड़ा सा नीचे करेक्शन लेके इस गैप को फिल करने की कोशिश करे 415। तो अप्रोप्रिएट लेवल मिलने पर आप ट्रेड इसमें ओपन कर सकते हैं। कोटक बैंक ऑन द अपसाइड, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस और ये छोटी रेंज, आज के सेशन में छोटी रेंज को इसने तोड़ने की कोशिश की लेकिन वहीं पे आके क्लोज हुआ, तो कल के सेशन में 1340 के नीचे अगर ट्रेड करना चालू करता है तो 1310 इसका पहला टारगेट होगा, उसके नीचे 1280 अराउंड इसका टारगेट ओपन होगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर इस लेवल को रिजेक्ट करता है तो ये वापस स्मॉलर रेंज के अपर एंड 1380 पे जाएगा और उसके ऊपर बड़ी रेंज का अपर एंड 1400 टेस्ट कर सकता है। ITC में पिछले 3 से 4 दिन में एक कंसोलिडेशन टाइप ऑफ बायस रहा है और ये कंटिन्यू होने की पूरी संभावना दिख रही है। कल के सेशन में अगर इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन को तोड़ के 194 के नीचे ट्रेड करना चालू करता है तो इसमें डाउनसाइड ओपन अप होगी 186 के लिए, 186-188 के जोन में। ऑन द कंट्री अगर ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन को तोड़ के 197 के ऊपर चलना चालू करता है जहाँ 200 पीरियड मूविंग एवरेज भी है तो इसका इमीडिएट टारगेट ऑन द अपसाइड 201 बनेगा, उसके ऊपर ये जो गैप जोन है 202 के आसपास से 206 की, ये स्टॉक फिर शॉर्ट कवरिंग के सहारे इसको ऊपर भरने जाएगा। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. अगला स्टॉक जो आपकी वॉचलिस्ट में होना चाहिए वो है HCL Tech का। HCL Tech में भी एक रफली कंसोलिडेशन काइंड ऑफ पैटर्न है, इसमें रेंज कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है और ये अपना 200 पीरियड मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया है, तो कल के सेशन में 590 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो इसका इमीडिएट टारगेट 594 बनेगा। ये माइनर रेसिस्टेंस का काम करेगा और इसके ऊपर ये स्टॉक 625 से 640 के बीच में जाने की क्षमता रखता है। लास्ट एंड फाइनल स्टॉक जो आपकी वॉचलिस्ट में होना चाहिए वो है अशोक लीलैंड का। अशोक लीलैंड में इस काफ़ी अच्छी रैली के बाद से एक डाउनवर्ड बायस के साथ करेक्शन चल रहा है और ये लगता है जैसे अपने ऑलमोस्ट एंड पॉइंट पे है, तो कल के सेशन में 50 के राउंड आपको कोई भी रिजेक्शन कैंडल मिलती है तो आप फ्रेश लॉन्ग्स इनिशिएट कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 53। ऑन द कॉन्ट्री अगर ये पहले 52-50 तोड़ के ऊपर चलना चालू करता है तो एक माइनर रेसिस्टेंस आएगा 53-50-53-80 के आसपास और उसके ऊपर ये अगला स्विंग हाई 55-80 को टारगेट करने जाएगा। तो ब्रॉडली ये पोल एंड फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न है जिसमें जिसका टारगेट ऑलमोस्ट इस मूव के बराबर होती है ऑन दी अपसाइड एट द ब्रेकआउट पॉइंट, तो स्टॉक में 58-59 तक जाने की क्षमता दिख रही है। डेली ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। दिस इज अंशुल जैन साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू।